नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मनजीत। दोस्तों सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका हमारे आज के एक और Q&A सेशन में, जहां पे आपने पूछे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल और उनके आंसर देने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उसका आंसर देता हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। सो अभी ऐसी स्टेज पे मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है कि मैं आपके सभी के क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं करूँगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं डेफिनेटली आपके आंसर करूँगा। अब ये करेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं तो हम जितने भी वीक के अंदर जो वीडियोस आएंगे अपार्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मेरे को लगते हैं मेरे हिसाब से उनके, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए भी यूजफुल हैं, तो वो चीज़ जो है उन क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके संडे के Q&A सेशन में कवर करेंगे और बाकी के जो बच जाएंगे क्वेश्चंस उनको हम जो है हर वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर एंड में जो है एंड में ही रखते हैं। तो हर वीडियो के एंड में जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है बिजनेस आइडिया, सो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना आप मुझे इस चैनल पे सपोर्ट कर रहे हो लेकिन मुझे भी आपकी सपोर्ट उस चाहिए है। मेरा वो जो चैनल है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को कि प्लीज़ विजिट करें और जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं आज का हमारा Q&A सेशन। पहला जो क्वेश्चन है हमारा फैज़ान अली की तरफ से है। उन्होंने कहा है कि सर, जो आपने ऑफिस नेटवर्किंग का जो अनमैनेज का अगर स्विच देते हैं और वहाँ पे हम जो है हर डिपार्टमेंट को अलग अलग आईपी एड्रेस देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जो सर्वर रख रहे हैं और वो सर्वर जो है सब जगह पे एक्सेस होना है, तो सर्वर जो है वो कनेक्ट करने के लिए जो है डोमेन कंट्रोलर में डला हुआ है, तो उस सर्वर को सभी जगह पे डोमेन कंट्रोल किस तरह से एक्सेस होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करके दूँ, क्योंकि क्या होगा कि आज अगर ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हो सकता है बहुत लोगों के और भी दिमाग में ये क्वेश्चन हो, ये कन्फ्यूज़न हो, लेकिन नहीं पूछा। तो फैज़ान, इसके लिए मैं वीक के अंदर एक पूरा फुल वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ, जिसमें ये पूरी अच्छे से क्लियर करूँगा जो भी डाउट है, ताकि जिनके और भी डाउट हैं ये उनको भी ये चीज़ क्लियर हो पाए। सो अगला क्वेश्चन है मोहम्मद एहसान की तरफ से। उनका कहना है कि वो कोई एक MNC कंपनी में सिस्टम एडमिन के तौर पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनका एक कोई सॉफ्टवेयर का या किसी चीज़ का एक URL है जहाँ पे वो कई बार एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे उनको एक एरर मिलता है जहाँ पे जो है टर्न ऑन TLS 1 और TLS 2, ठीक है, ये एरर जो है वो उनको मिलता है। सो इसको उन्होंने जो है कुछ बेसिक जो ट्रबल शूटिंग है वो भी करके रखी है, लेकिन उसके बाद भी जो है ये जो एरर है वो कुछ टाइम टेम्पररी टाइप पे जो है सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वापस ये जो चीज़ है उनको मिलती जा रही है। सो मोहम्मद, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह के एरर आने के देर आर सेवरल रीजंस। सो उन रीजंस में से एक जो चीज़ है वो मैं क्योंकि इस तरह के कई सारे जगह पे हमें भी देखने को मिले एरर्स, तो हमने किस तरह से उसको रिजॉल्व किया, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर जो हमारे पास जो PC होते हैं या नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं कई बार आउटडेटेड हो जाते हैं, जो कि करंट रिक्वायरमेंट करंट टेक्नोलॉजी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाते कई बार। तो ऐसे में एक कम्युनिकेशन के अंदर कहीं पे भी उनको पैकेट ट्रेसिंग के मतलब पैकेट जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। आप पिंग करोगे तो पिंग आपको कई बार बराबर मिल जाता है, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं एनक्रिप्टेड वे में जो पैकेट्स जाते हैं वो कहीं ना कहीं अगर ड्रॉप होते हैं
तो प्रॉपर जो कम्युनिकेशन जो सर्वर के बीच में क्लाइंट के बीच में नहीं बन पाता, तो उस वजह से भी ये चीज़ का एरर आ सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका जो जावा है वो क्लाइंट पीसीज पे प्रॉपर अप टू डेट नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ये जावा का जो वर्जन 7 है उस वहाँ से ये जो TLS जो है वो आगे सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। एक बार वो भी चेक कर लें। कई बार क्या है कि हमारे सिस्टम्स में कई बार ऐसी कुछ एप्लीकेशन, कुछ ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर आ जाए तो जो कि हमारे इस तरह के सिक्योर कनेक्शंस को इंटरप्ट करते हैं। ये तो कुछ ऐसे हैं जो आप ट्रबल शूट करके देख सकते हो। और इसका जो एक और जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको जो आपका सर्वर है तो वहाँ पे आपको जाके कुछ चीज़ें चेक करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये आपका जो ग्रुप पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाके ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो वहाँ तक आपने पहुँचने के लिए, अगर आप पहुँच सकते हैं तो डेफिनेटली आपका हैंडल कर रहे हैं तो पहुँच ही चुके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाना है, विंडोज़ कंपोनेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग, कंट्रोल पैनल पे जाना है, एडवांस पेज पे जाना है, और वहाँ पे जो ये टर्न ऑफ इनक्रिप्शन सपोर्ट है यहाँ पे जाके आपको जो है एक बार उसको ऑफ करके एन ऑन कर दें, या फिर ये सेकंड जो स्क्रीन है यहाँ पे आप ये जो चीज़ लिखी हुई है कंप्लीट, इसको आप डाल के उसमें एनेबल कर दीजिए। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे ये जो सेटिंग है वो आपको बराबर एनेबल नहीं होगी। तो एक बार इसको करके आप देख लें तो यहाँ से भी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पास ये जो तीसरी स्क्रीन है, ये तीसरी स्क्रीन क्लाइंट पीसी की है। कई बार क्या है, हम ग्रुप पॉलिसी जो है उनको अपडेट करते हैं और उनको अपडेट फोर्सली भी कर देते हैं, उसके बाद भी जो है हमारे क्लाइंट पीसी पे कुछ इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं जब तक कि हम क्लाइंट पीसी को रीस्टार्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ अपडेट करके आप ये भी देख सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे नीचे साइड में आप देख सकते हैं कि नीचे का जो ये रेड एरर सर्कल बना हुआ है, इसमें लिखा है सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि लोकल आपका क्लाइंट पीसी का जो लोकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि सुपर एडमिन आईडी है, उसके थ्रू भी कई एप्लीकेशंस जो हैं वो अपडेट नहीं होने देती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं और आई होप कि आपकी ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। सो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी मोहम्मद एहसान की तरफ से ही है। उन्होंने कहा है कि VLAN 20 और VLAN 30 या VLAN के अलग अलग हम अगर ग्रुप बना के देते हैं तो वहाँ पे हमें जो है पोर्ट सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उनका कहना है कि अगर हमने दो डिपार्टमेंट है तो दोनों को अलग अलग VLAN दे दिया है तो वैसे ही वो कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें वहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। सो मोहम्मद, यहाँ थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे VLAN और पोर्ट सिक्योरिटी दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। VLAN बेसिकली अ ग्रुप, जहाँ पे आप अलग अलग ग्रुप डिफाइन करते हो, राइट? कुछ कंप्यूटर हमने एक ग्रुप में डाल दिए, कुछ कंप्यूटर हमने बी ग्रुप में डाल दिए, तो जो ग्रुप बनाना है दैट इज कॉल्ड VLAN, राइट? उनका और पोर्ट सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। पोर्ट सिक्योरिटी जो है हमारा एक सिक्योरिटी का पहला स्टेप है कि हम वहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा वो जो नेटवर्क का पोर्ट है वो एक ऑथराइज्ड पीसी, जो हमारे द्वारा ऑथराइज्ड पीसी है उसको छोड़ के अगर कोई दूसरा, अगर कोई भी लैपटॉप या कोई कंप्यूटर वगैरह उसमें पोर्ट पे कनेक्ट करता है, हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे वो जो पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो बेसिकली हमारे पोर्ट को, हमारे कनेक्शंस को, हमारे द्वारा ऑथराइज्ड पीसीज को एक्सेस जो मिल सके उनके लिए यूज़ होता है। और
जो हमारे अनऑथराइज अगर कोई कनेक्टिविटी हमारे नेटवर्क में करता है तो वो पोर्ट जो है डिसेबल हो जाता है। तो ये सिक्योरिटी का पहला स्टेप है, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लेरिफाई हो गया होगा, वीलैन और पोर्ट सिक्योरिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी ये जो चैनल है, ये चैनल एक पूरा फैमिली की तरह है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो या कमेंट्स करके उनमें क्वेश्चन पूछते हो तो वो मेरी ही जवाबदारी है आपको आंसर करने की। मैं सभी टीम मेंबर, सभी मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, आप पूरी फैमिली है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी किसी के को आपको लगता है कि मेरे किसी भी वीडियो के अंदर जो है कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर आपको आता है तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको हेल्प करें। और यही चीज़ हुई है मोहम्मद एहसान के इस क्वेश्चन में जो अभी हमने देखा, वहाँ पे मुझे रियली आई अप्रिशिएट विश्वनाथ झा कि आपने ये चीज़ जो कमेंट में मेरे जो पूछा था मोहम्मद एहसान ने ये क्वेश्चन, आपने उनके क्वेश्चन का वहीं रिप्लाई करके आंसर किया। सो दोस्तों, इसी तरह मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। उससे होगा क्या, ये नहीं कि आप आंसर कर रहे हो, आपका नॉलेज डेफिनेटली एनहेंस होगा, क्योंकि नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। सो एक दूसरे को हेल्प कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस चैनल को एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ और जो मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि इसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि जहाँ पे जितने भी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस करी जाएं, हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएं। सो दोस्तों, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक बार फ्री में लोगों की हेल्प करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, जो मुझे भी फील होता है, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गजेंद्र खरे की तरफ से। वो कहते हैं कि ISP में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। सो देखिए, ISP में जो प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ, एज सच प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आती हैं, अगर आपकी टीम स्ट्रांग है और आपको मालूम है कि आपने जो नेटवर्क्स बनाए हैं वो अगर प्रॉपर बनाए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम्स टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको ये चीज़ें हैं, जब भी आप किसी क्लाइंट को, एंड क्लाइंट को आप कनेक्शन टर्मिनेट करके दे रहे हैं, वहाँ पे आप जो है उनको हमेशा 55 dBm से नीचे का अगर RF पे दे रहे हैं तो 55 dBm से जो है कम का ही आपका dBm होना चाहिए, ताकि आपके क्लाइंट जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें स्पीड से। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर dBm आप देंगे तो हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है, वेदर, क्योंकि RF है तो उसमें वेदर वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं, तो वहाँ आपके dBm जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये चीज़ का कुछ ध्यान रखिए, क्योंकि आपके कस्टमर खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ISP का बिजनेस है वो भी अच्छा है रहेगा। अगर आप फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी देते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका फाइबर कटना नहीं चाहिए, अगर कटता है तो आप कितनी जल्दी उसको रीस्टोर करते हैं, कस्टमर आप तक पहुँचे, उससे पहले आपको अपने कस्टमर्स तक पहुँचना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तो जो कि इतने टाइम में रेक्टिफाई हो जाएगी। तो आई एम श्योर कि अगर इस तरह की आप सर्विस देंगे तो डेफिनेटली आपके कस्टमर आपको कभी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें जो RF डिवाइसेस हम जहाँ पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे हमें इन्वर्टर्स या UPS वगैरह जो है इंस्टॉल करने हैं, ताकि अगर कहीं पावर का फ्लक्चुएशन होता है या फिर पावर आती जाती है तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनका कनेक्शन कहीं कटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेजर G97 की तरफ से। आई एम सॉरी, आपका जो नाम है वो यही लिखा हुआ है उस पर। इनका कहना है कि हाउ वी कैन कनेक्ट IP फोन टू स्विच एंड कॉन्फिगर also, प्लीज टेल मी दी कॉन्फिग्रेशन, और क्या हम इसको जो है VLAN में डालना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप IP बेस्ड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपका अगर कॉमन नेटवर्क है जहाँ पे आपके डेटा भी चल रहा है, वॉइस भी चल रहा है और सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी चल रहे हैं, तो और वहाँ पे आप कॉमन स्विच का, कॉमन केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वीलैन कॉन्फ़िगर करना, वीलैन के अंदर जो है वॉइस को डालना, वीलैन के अंदर डेटा को डालना, वीलैन के अंदर जो है आपके सीसीटीवी और अदर सर्विसेज को डालना अलग अलग वीलैन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह चाहते हैं तो वीलैन के कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है दोस्तों संजीव कुमार की तरफ से, वो कह रहे हैं कि एक ही नेटवर्क के अंदर दो आईपी सीरीज चलाई जा सकती हैं, तो डेफिनेटली चलाई जा सकती हैं, मैनेज स्विचेस हैं तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपके पास सभी तरह के ऑप्शंस हैं, आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं जिस और पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग वीलैन बना के, ताकि जो है ब्रॉडकास्टिंग जो है वो आपके नेटवर्क पे ना रहे। लेकिन अगर आपके पास अनमैनेज स्विचेस हैं और वहाँ पे आप उस कॉमन नेटवर्क के अंदर उन स्विचेस के अंदर जो है एक से ज़्यादा आईपी सीरीज चलाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंज ये होगा कि अनमैनेज स्विच जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ऐसे में अगर आपका कोई भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो सभी जगह पे जाके ब्रॉडकास्ट होगा, ऐसे में आपका जो है ट्रैफिक जो है आपके नेटवर्क पे लोड बढ़ता है और जिसके थ्रू आपका जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं डेटा पैकेट ट्रांसफ़र में जो है स्लो होते हैं। तो ये तो थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस को सेलेक्टेड, बाकी जो क्वेश्चन आज बचे हुए हैं वो मैं आपको पूरे वीक के अंदर वीडियोस के एंड में ही बीच बीच में देते हुए चलता जाऊंगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके क्वेश्चंस के आई होप कि मैंने सही जवाब दिए होंगे। अगर फिर भी कोई लगता है कि मेरे से आपको कोई एक सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है नहीं मिल पाया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और एलोब्रेट करके मुझे लिए बताएं, ताकि मैं एग्जैक्ट जो आप मुझसे जानना चाहते हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। हो सकता है कि हमारे जो कम्युनिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं गैप खा रहे हों, तो ये चीज़ एक हो सकती है। सो दोस्तों ये वीडियो को एंड करने से पहले एक बार वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा जो दूसरा चैनल है बिजनेस आइडिया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस चैनल पर भी सपोर्ट करें, ताकि वो चैनल भी हमारा जो है एक और अच्छी नई ऊंचाइयों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और ये मुझे आशा है कि मैं आपकी मुझे जो है कंप्लीट सपोर्ट मिलेगी और बहुत जल्दी जो है सब्सक्राइबर मेरे उस चैनल पे भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।